अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। या तो मैं तिरंगा फिर हाँ कर वापस आऊंगा या फिर उसी में लिपट कर आऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशिका चौहान है और आप देख रहे हैं सरल भारत। उपर्युक्त उदाहरण सबसे महान और सबसे बहादुर कारगिल हीरो विक्रम बत्रा के द्वारा कही गई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और इस बार यहाँ उन सभी कारगिल नायकों की 22वीं वर्षगांठ है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कारगिल विजय दिवस को कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह मई जुलाई 1999 के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा पर लड़ा गया था, जिसमें भारत को जीत मिली थी। इसीलिए यह दिन कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को समर्पित है। कुछ कारगिल नायकों जैसे विक्रम बत्रा, जिन्हें कारगिल युद्ध के नायक के रूप में जाना जाता है, और मिशन के दौरान ये दिल मांगे मोर को अपनी सफलता के संकेत के रूप में चुना। उन्हें उनकी शहादत के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और सेकंड लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे गुरखा राइफल के जवान थे, उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कई कारगिल नायकों को उनकी बहादुरी के लिए भी जाना जाता है, और आज का दिन कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने का है। हमारे बहादुर सैनिक द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करने का है। राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने और सुरक्षित रखने का दिन है। जाते जाते बस आप सबसे शकील बदायूनी की शायरी कहना चाहूंगी। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद।